नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है बच्चों, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस। अभी ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो देखो जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो इनको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे, यानी कि आपको रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे जिन्हें आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, उसके बाद हम उनके ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, रैशनल नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से। कहाँ से? वन से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, फिर क्या है, डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या, ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे 4 तक ये रहेगा, नहीं, ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अभी इससे हमने क्या समझा कि नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और निगेटिव नंबर्स नहीं आते, नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, तो होल नंबर्स की। तो देखो होल नंबर जो रहता है ना, ये स्टार्ट होता है जीरो से और ये पूरा इन्फिनिटी तक इस तरीके से जाता है। समझ में आया, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, याद रखना, और होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉक्स कैसे बनाया मैंने, पहले ये नेचुरल नंबर वाला बॉक्स बनाया, उसके बाद होल नंबर वाला बॉक्स, ठीक है। तो इससे हमने क्या समझा कि होल नंबर में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ओके। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, यानी कि जो नंबर आपका होल नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, और जो नंबर आपका नेचुरल नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, होल नंबर भी रहेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ 4 की, तो 4 क्या है, नेचुरल नंबर है लेकिन वो होल नंबर भी है। अगर 5 की बात करूँ तो वो नेचुरल तो है लेकिन वो होल नंबर भी है। अब मैं अगर 0 की बात करती हूँ, तो 0 क्या है, होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट हम किसके बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स की, ठीक है। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और जीरो भी आता है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इधर गया, फिर यहाँ पे -1, -2, -3 इधर भी डॉट 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 पूरा इन्फिनिटी तक इधर तक जाएगा और इधर भी पूरा इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो ये सभी क्या है बच्चों, आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। क्या है, इंटीजर्स, देखिए मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। तो अब बॉक्स देखो कैसे बनाया गया, पहले नेचुरल नंबर का फिर होल नंबर का। तो इससे हमने क्या समझा था कि होल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। अब उसके बाद किसका बॉक्स है, इंटीजर का। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि इंटीजर में होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। यानी कि देखो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, मतलब कि क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, और फिर इसमें जीरो भी है यानी कि होल नंबर्स भी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आया है, तो निगेटिव नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं लेकिन इंटीजर में निगेटिव नंबर्स होते हैं, ओके। तो लास्ट बार मैं आप लोग को समझा रही हूँ, देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब यहाँ पे लास्ट हम किसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर्स की, ओके। तो देखिए बॉक्स देख करके आप समझने की कोशिश करो, ये बॉक्स देखो मतलब रेशनल नंबर वाला बॉक्स सबसे बड़ा क्यों है। देखो इस बॉक्स के अंदर ये सारे बॉक्सेस हैं, समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ इसका कि रेशनल नंबर में इंटीजर्स भी इंक्लूड्स होते हैं, होल नंबर भी रहता है और नेचुरल नंबर भी रहता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को थोड़ा यहाँ पे रेशनल नंबर का प्रॉपर डेफिनेशन बताती हूँ। तो देखो बच्चों, जिन नंबर्स को आप लोग
इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो m अपॉन n के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, m अपॉन n के फॉर्म में आप जिस भी नंबर को लिख सकते हो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब एक बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो n है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो n है ना, ये जो नीचे वाला है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो फिर आपका नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, आप जिस नंबर को m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हो उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने आप लोगों से अभी अभी क्या बोला कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है और इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है 3 ले लिया। अब क्या मैं इस 3 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 मैं लगा सकती हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, इस 3 को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे ही अगर मैं ले लेती हूँ, समझिए मैंने यहाँ पे -3 को ले लिया, ठीक है, तो -3 को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, -3/1, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर ही हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7, 3/4, -17/28, फिर क्या है 2.17। अब ये कैसे रैशनल नंबर है? तो देखो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? लिख सकते ना, आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा था, डेसिमल को हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2.17 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डेसिमल हटाने के लिए मैं ना यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और अगर मैंने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, ये 1 कहाँ से आया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था। ठीक है, तो अब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 217/100। तो देखो मैंने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जिन नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका गिवन नंबर इस फॉर्म में है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, -3, 3/5, -17, -5/11 और 5। अब देखो यहाँ पे ये जो -3 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर आते हैं, तो ये तो निगेटिव में है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इस तरह से आप यहाँ पे क्रॉस कर दो। ठीक है, अब -3 इंटीजर है क्या? तो देखो इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, यानी कि -3 आपका इंटीजर है। अब क्या ये रैशनल नंबर है? तो सबसे पहली बात, मैंने आप लोग को क्या बोला था कि रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आते हैं, तो अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से टिक कर सकते हो। ठीक है, देखो कोई भी नंबर अगर वो नेचुरल नंबर है ना तो वो रैशनल नंबर भी होगा, अगर वो इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर भी होगा। ठीक, नेक्स्ट 3/5, अब क्या ये नेचुरल नंबर है? आप ऐसे डायरेक्टली देख करके बता सकते हो, तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन आया ना तो आप लोग को क्या करना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 3/5 है ना, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 तो ये अंदर आएगा, ठीक है यहाँ पे 5 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है? चलो मैं आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। देखो आप लोग को डिवाइड करने आता होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया, 5 × 6 क्या हो गया, 30, ओके। तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर क्या मिला, 0.6, क्या मिला, 0.6। अब 0.6 नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 0 का तो इसमें नामो निशानी नहीं है, तो फिर क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर दोगे क्रॉस। अब क्या ये इंटीजर है? सोचिए क्या ये इंटीजर है? तो ये जो नंबर है ना, ये आपका इंटीजर भी नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखो इंटीजर के लिए कंडीशन क्या होती है ना, कि पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर है, कुछ भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर है, तो फिर आप उस नंबर को इंटीजर नहीं बोलोगे,
समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर क्या है 0.6, तो देखो डेसिमल के बाद क्या है, नंबर है ना, 6 नंबर है, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हाँ मैंने तो क्रॉस पहले से ही कर दिया है ना, तो क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को, देखो जीरो मतलब जीरो पॉइंट, पॉइंट के बाद अगर जीरो है ना तो फिर इसको आप इंटीजर बोलोगे, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, तो वो इंटीजर नहीं होता है। अब क्या ये रैशनल नंबर है? यस, क्या ये रैशनल नंबर है? तो 3/5 रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से टिक कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि हर एक रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि रैशनल नंबर इंटीजर भी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ये जो नंबर था ये नेचुरल नंबर नहीं था, ये इंटीजर भी नहीं था, लेकिन ये रैशनल नंबर था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -17। तो देखो माइनस जब आप देखे ना तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेगेटिव अगर आया तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर देना क्रॉस, ठीक है। अब क्या ये इंटीजर है? तो जी हाँ है, क्योंकि इंटीजर के लिए मैंने क्या बोला था, इसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इस तरह से आप टिक कर दोगे। अब आपको ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर भी होगा, या फिर आप वैसे भी समझ सकते हो, जैसे -17 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट -5/11, अब बताइए क्या ये नेचुरल नंबर है? तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आया तो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या ये इंटीजर है? -5/11 क्या इंटीजर है? चलो डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 11, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 11 4 44, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। देखो अभी इसके आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस तरह से आपको नंबर्स मिलते जाएंगे, तो डेसिमल के बाद नंबर आया तो वो नंबर आपका इंटीजर नहीं होता है, तो ये आपका इंटीजर भी नहीं है। अब क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने m/n के फॉर्म में लिखा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टिक कर दोगे, ठीक है। अब लास्ट वन देखना, नेचुरल नंबर 5, मतलब 5 क्या नेचुरल नंबर है? तो ये देखो ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो नेचुरल नंबर है, इसको आप टिक कर दो। क्या ये इंटीजर है? +5 इंटीजर है, तो हाँ ये इंटीजर भी है। क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है आपका रैशनल नंबर है, समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक बार बिना देखे इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे ये टेबल दिया गया है, तो एक बार खुद से भी उसको कंप्लीट करने की आप लोग कोशिश करो। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको आप बड़े ही ध्यान से समझना, क्यों समझना है, क्योंकि आगे वाला जो आपका प्रैक्टिस है 22 है ना, ये पूरा के पूरा बेस्ड है इन्हीं के ऊपर। तो अगर आप एक बार इसको समझ जाते हो तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। कैसे समझ में आया है? देखो यहाँ पे एडिशन का साइन है, ठीक है। अब इसके लिए ना आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, दूसरा डिनोमिनेटर को सेम करने का। देखो जैसे आपका फ्रैक्शन है ना m/n, तो इसको कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर को सेम करने वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दो मेथड है, दोनों ही मेथड मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो मेथड आपको ईजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला मेथड मैं आप लोग को बताती हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। एडिशन में आप लोग क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस यानी क्या होता है, क्रॉस यानी ये, राइट। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है, क्या करोगे, तो 11 को इधर ले लोगे, 5 का मल्टीप्लाई 11 में कर दोगे, तो क्या हो जाएगा 5 × 11, ठीक। यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 में कर दोगे, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इस तरह से अपॉन लिखा जाता है और जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं ना उनका 1 में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या होता है, तो
जो आपके मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करना रहता है, क्रॉस को याद रखो ना, क्रॉस क्रॉस को आप लोग याद रखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और जो डिनोमिनेटर्स रहेंगे उनका एक दूसरे से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अब आगे देखते हैं, तो 11 5 से क्या होता है 55 प्लस 7 9 से क्या होता है 63 राइट, अपॉन में 11 7 से क्या होता है 11 7 से 77, तो यहाँ पर लिख देंगे 77। अब क्या करना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 + 6 11 118 अपॉन 77। समझ में आया आप लोगों को, तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर ये है, ये तो पहला मेथड था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, दूसरा मेथड क्या होता है ना, आप लोग को क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सॉल्व इसको करती हूँ, 5 / 7 + 9 / 11 ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। तो ये दोनों सेम कब होंगे सोचिए, तो अगर मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 7 से, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, है ना। देखो 11 7 से 77 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 7 से 77 हो जाएगा, राइट। अब देखो एक रूल होता है, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अगर आप किसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 11 5 से क्या हो जाएगा 55, और यहाँ पर 9 7 से क्या हो जाएगा 63, ठीक है। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं ना, तो आपको कुछ करना नहीं होता, एक ही बार डिनोमिनेटर को लिखना होता है। कितने बार, एक ही बार। जब डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो एक ही बार डिनोमिनेटर को लिखना, और ऊपर अगर एडिशन है तो ऐड कर देना, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 55 + 63 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो उनको एक ही बार लिखने का, और ऊपर के दोनों जो टर्म्स रहेंगे उनको एक साथ ले लेने का। अब यहाँ पे देखो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, 5 + 6 11 118 upon 77। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो आंसर आया था वही आया है, है ना। तो ये तो दूसरा मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इजी लगता है तो इससे करो, अगर आपको ये इजी लगता है तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस है 22 में दिए गए हैं, ठीक है। इस टाइप के आपको प्रैक्टिस है 22 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप ये मेथड सीख गए हो तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अब उसी में 2 क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं, तो ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस इनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 2 integer 1/7 + 3 integer 8/14 ओके। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है, 7 का मल्टीप्लाई 2 में करना, और ये जो 1 है ना उसको इस तरह से लिखना +1, 7 का मल्टीप्लाई 2 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना और यहाँ पे लगाना प्लस, उसके बाद 1 अपॉन में क्या लिखोगे, तो 7 को लिखोगे, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है, 14 का मल्टीप्लाई 3 में करना, प्लस क्या लिखोगे, प्लस क्या 8, यहाँ पे देखो प्लस 1 था तो 1 लिखा था, यहाँ पे प्लस 8 है तो क्या लिखेंगे, प्लस 8 लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा था 7 लिखा था ना, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं, 7 2 14 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 14, 3 सा क्या होता है 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 1 4 42 ठीक है, प्लस 8 upon 14। अब आगे देखो यहाँ पे 14 + 1 15 अपॉन 7 प्लस 42 + 8 कितना हो जाएगा, तो 50 upon 14 ठीक है। तो
तो अब देखो आपका ये जो क्वेश्चन था ये कैसा इसके जैसा हो गया है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये समझ में आया रहेगा तो आप ये भी कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दो मेथड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिनोमिनेटर्स को सेम करने का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सोचिए जरा, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको कितने बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे, है ना। वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, डिनोमिनेटर्स को सेम करना चाहिए, तब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, देखो अभी डिनोमिनेटर सेम कैसे होंगे, यहाँ पे 14, क्या यहाँ पे 14 आ सकता है, सोचिए 7 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 14 मिलेगा 2 से, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 15 into 2 प्लस, यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहीं पे करना, जैसे इसमें हमको ज़रूरत थी तो हमने किया, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना। रूल क्या होता है कि अगर नीचे किया तो ऊपर करना है, यहाँ पे तो किसी से नहीं किया ना तो नहीं करना है। 15 2 क्या हो जाएगा, 30 प्लस 7 2 14 प्लस 50/40 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को बस एक ही बार लिखना है। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा अच्छे से बताती हूँ, देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, 30/14 प्लस 50/14, ओके। अब डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखना है क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, फिर इन दोनों को एक साथ ले लेना, तो 30 + 50 एक साथ, ओके। अब 30 + 50 क्या हो जाएगा, 80/14। क्या आप इसको और छोटा कर सकते हो, देखो अगर फ्रैक्शन छोटा होता है ना तो आप कर सकते हो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिए, तो 7 से नहीं और 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 4 से क्या होता है, 8 होता है, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे आ गया 40/2 7 14, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर, समझ में आया। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, और फिर जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आपको आगे कर देना है, ठीक। तो ये तो हमने क्या देखा, एडिशन। अब बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन की। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे कर रहे थे ना वही आपको इसमें भी करना पड़ता है, जो आप यहाँ पे कर रहे थे वही आपको करना पड़ता है, बस इसमें प्लस का साइन होता है और इसमें माइनस का साइन होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो 1/7 - 3/4, तो इसमें भी आपको दो मेथड दिए जाएंगे, पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा क्या, डिनोमिनेटर्स को सेम करने का। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इसमें बताया था कि आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो छोटा छोटा दिख रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, फटाक से हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे और 7 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, अपॉन 7 into नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर देंगे, 1 4 = 4 - 7 3 = 21 अपॉन 7 4 = 28। चलो माइनस करो, 4 - 21 कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे -17, है ना, 17 18 19 20 21 बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 28। तो बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखा आपने ये कितना आसान था, है ना, जो आपका प्रैक्टिस है 22 में क्वेश्चन है ना वो इसी के जैसे हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके जैसे हैं और 2 क्वेश्चन इसके जैसे हैं, तो ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे इसमें किया था ना वही आपको इसमें भी करना है। देखो क्या किया था हमने, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दिया था, तो सेम आपको यहाँ पे वही करना है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 into 3, ठीक है, आप 3 into 1 लिखो या फिर 1 into 3 लिखो, बात तो वही है ना, 3 into 1 + 2 अपॉन में क्या आएगा, 3, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, फिर +5 अपॉन में 6, उसके बाद 3 1 3 तो यहाँ पे 3 + 2 अपॉन 3 माइनस 6 3 = 18 + 5 upon 6, उसके बाद 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 upon 3 प्लस 18 + 5 कितना हो जाएगा, तो 23 upon 6, समझ में आया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये किसके जैसा हो चुका है, इसके जैसा हो चुका है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप आगे का कर सकते हैं, है ना, जैसे इसको किया वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब मैं डिनोमिनेटर को सेम करके आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है
यहाँ पे 3 है, तो क्या यहाँ पे 6 आ सकता है? तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 6 मिल सकता है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि 5 × 2 माइनस यहाँ पे 23/6, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 5 × 2 सा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 × 2 सा 6 माइनस 23/6, ठीक है। अभी देखो डिनोमीटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखना है, डिनोमीटर को एक ही बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 6 है ना, तो एक ही बार लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी कि 10 − 23, समझ में आया। अगर माइनस रहेगा तो माइनस ही करना, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 10 − 23, ओके। अब 10 − 23 करिए, 10 में से 23 को माइनस करिए, क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा −13/6, ओके। तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से किया जाता है रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, समझे? तो अगर आप ये समझ गए हो तो प्रैक्टिस है 22 के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए और 2 क्वेश्चन इस तरह के दिए गए, ठीक, ओके। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि एडिशन के जैसा सब्ट्रैक्शन भी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना रहता है, क्या करना रहता है, सामने सामने का मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे 9 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, तो 4 में करोगे, 13 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, तो 7 में करोगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे क्रॉस वाला, लेकिन इसमें आप लोग को क्रॉस वाला नहीं करना है, ऐसे सीधा सीधा करना है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में सीधा सीधा करना है। तो अब 9 × 4 सा क्या हो जाएगा, 36, और 13 × 7 सा क्या हो जाएगा, तो 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 91, ओके। क्या आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, बस यही आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9/13 × 26/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी अगर नंबर्स कैंसिल हो रहे हो तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल करते टाइम पे आपको ध्यान में क्या रखना है, देखो ऐसा नहीं है कि आप इसको इससे कैंसिल कर दोगे, नहीं, आपको कैसे कैंसिल करना है मैं बताती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में 9 आता है, यानी कि 9 को हम लोग 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो कर देते हैं इसको कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे 1, ओके। अभी देखो 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, क्योंकि 13 के टेबल में 26 आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/1 × 2/1। अगर छोटा होता है तो आप छोटा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। अगर छोटा हो रहा है तो आप कर सकते हो ना। अब 3 × 2 = 6, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 × 2 = 6, 1 × 1 = 1, यानी कि आंसर आपको क्या मिला, +6। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन भी समझ में आया है तो आप प्रैक्टिस है 22 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसके सारे सब क्वेश्चंस को कर सकते हो। वैसे ये जो प्रैक्टिस है 22 है ना, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोग, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, सबसे पहले तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्या बताऊंगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया गया है और वहां पर आप लोगों को बोला गया कि आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो कैसे बताएंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। ये आपका क्या है, 2/5, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब आपको इसका क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोग को देखो यहाँ पे समझाऊंगी, 2/5 है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ना वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, समझे। अब देखना, इन दोनों को जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी ना,
टू अपॉन फाइव इंटू, देखो टू अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन टू, तो देखो मुझे आंसर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। टू से टू कैंसिल, फाइव से फाइव कैंसिल, क्या आया, वन, वन आया ना, यानी कि टू अपॉन फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या है, फाइव अपॉन टू। तो बस आपको इतना ही करना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर, रुको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर है ना प्रैक्टिस है 22 में, उसमें आपको मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्सेस ही बताने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो उस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखो थोड़ा माइनस में आ गया, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, माइनस थ्री अपॉन एट। अभी इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो एट को आप ले लीजिए ऊपर और थ्री को ले लीजिए नीचे, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो आप लोग को माइनस लगाना है। ऐसा नहीं कि माइनस हटा दिया और फिर बोल दिया कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ये होगा, तब तो वो गलत हो जाएगा। आपको माइनस लगाना पड़ेगा, अगर माइनस है ना तो माइनस लगाना, अगर नहीं है तो माइनस मत लगाना, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखना, माइनस 17 अपॉन 39, इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 39 अपॉन 17, क्या इसमें माइनस है, तो है ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। तो ये आप सीख गए। अब हम नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आपके पास रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे जिन्हें आप लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है 14 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 4। तो कैसे करें, चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 40 अपॉन 12, ठीक है। अब ये जो क्या है, ये जो डिवाइड है ना, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 4 चला जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे, समझे। देखो जब भी ऐसा डिवाइड वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप सबसे पहले क्या करना, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। तो जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, तो ये वाला जो टर्म रहेगा ना, इसके आगे वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे आएगा, जैसे 4 चला जाएगा ऊपर, 10 आ जाएगा नीचे, समझे। अब इसके आगे का आप लोग कर सकते हो, है ना, ये तो मल्टीप्लाई जैसा ही हो गया। तो मल्टीप्लाई तो मैंने आप लोग को अभी अभी सिखाया, तो कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12, यानी कि आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 अपॉन 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना, -10 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 26। तो क्या बोला मैंने, जब ऐसा डिविजन आया तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। तो क्या हो जाएगा, -10 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 26 ऊपर 7 नीचे, तो 26 ऊपर 7 नीचे। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो -10 × 26 कर देना, यहाँ पे 11 × 7 कर देना, तो क्या आएगा, 10 × 26 260, 11 7 77, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 5, तो डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई में, 5 को ऊपर 2 को नीचे, राइट। अब 5 से 5 को कैंसिल करोगे क्या, नहीं कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 क्या है, ऊपर है, नीचे तो 1 है ना, तो कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसी गलती आप लोग मत करना। क्या करना है, अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, अपॉन में 1 × 2 करेंगे तो 2, 5 5 सा क्या हो गया, 25 अपॉन 2, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, डिवीजन करना है रैशनल नंबर्स का, ठीक है। तो जो आपका प्रैक्टिस है 22 है, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सब चीज़ बता दिया, एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, तो प्रैक्टिस है 22 को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो फिर मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स, ठीक है। तो देखो हम इसको समझते हैं, जैसे आपके पास 1 अपॉन 2 है और 4 अपॉन 7 है, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, यानी कौन कौन से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना रहेगा, जो डिनोमिनेटर्स रहेंगे ना दोनों रैशनल नंबर्स के, उनको सेम करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, यहाँ पे 4 अपॉन 7 है, तो दोनों डिनोमिनेटर्स कैसे सेम हो सकते हो, सोचिए कैसे हो सकते हैं। तो अगर मैं 2 में
सेवन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे दोनों जगह पे 14 14 मिल जाएगा, है कि नहीं मिल जाएगा ना। तो अब आपको पता है अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया मतलब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 × 7 करेंगे तो 7 upon 2 7 = 14 एंड 4 2 = 8 upon 7 2 = 14। ठीक है, तो ये आपको दो नंबर्स मिले, राइट, दो रैशनल नंबर्स मिले। तो इन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 7 upon 14 8 upon 14, ये तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हो गए। तो फिर अब क्या करें, हमको यहाँ पे नंबर्स तो मिले ही नहीं इन दोनों के बीच में, क्योंकि 7 के बाद डायरेक्टली 8 आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर है ना इसको आप लोग आगे भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोग किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो किससे करें, चलो 10 से कर देते हैं। अगर हमको इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स चाहिए तो हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव आ गए ना। ठीक है, तो अभी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों में, आप ऐसा कर सकते हो, ओके, यहाँ पे भी। तो अब हमको रैशनल नंबर्स क्या मिलेंगे, 7 × 10 = 70 14 × 10 = 140, यहाँ पर 8 × 10 = 80 14 × 10 = 140। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच के आपको रैशनल नंबर्स बताने हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 70 upon 140 80 upon 140, तो 70 के बाद क्या आ सकता है 71 upon 140, उसके बाद 72 upon 140, उसके बाद 73 upon 140। ठीक है, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, बीच में बोला ना, इन दोनों के बीच में, यानी कि इसको नहीं लेना है इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा 79 upon 140। ठीक है, तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में इतने रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और भी आगे लेकर के जा सकते हो, मतलब फिर से आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप इसको आगे भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 यहाँ पे 1400 यहाँ पे 800। ठीक है, और यहाँ पे 1400, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर अभी इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 701 upon 1400। ठीक है, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, तो ये पूरा इससे एक पीछे तक जाएगा, यानी कि 770 700 700 800 है ना, तो 799 तक जाएगा। ठीक है, 799 upon 1400, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सुनो, अगर आपको दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि उन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, तो कितने होंगे उनको आप काउंट भी नहीं कर सकते, वो कैसे होंगे, असंख्य होंगे। जैसे इन दोनों के बीच में हमने देखा था कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, अभी ये जो दोनों नंबर्स थे 70 upon 140 और 80 upon 140। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के हमने नंबर्स बता दिए थे। अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों फ्रैक्शंस को, ठीक है, इन्हीं दोनों रैशनल नंबर्स को और बड़ा कर दिया, तो हमको और भी ज़्यादा नंबर्स मिले। अब चाहे तो मैं इसको और भी बड़ा कर सकती हूँ, तो मुझे और भी नंबर्स मिलेंगे, यानी हम बोल नहीं सकते कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हो, वो कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो आपका प्रैक्टिस है 23 है ना, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको प्रैक्टिस है 23 में इतना सारा नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, तो उन रैशनल नंबर्स के बीच के आपको तीन ही रैशनल नंबर्स बताने, कितने, तीन ही। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट था, ठीक है, इसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान किसको देना है, तो अगर आप मतलब जो प्रैक्टिस है 23 है ना, उसके क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस है 23 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो देखोगे ना, आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझा तो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस है 23 को देखोगे तो एकदम अच्छे से इसको आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि आपको रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे जिनका आपको डेसिमल फॉर्म बताना रहेगा। जैसे यहाँ पर ये आपका देखो रैशनल नंबर है 7 upon 4, अब इसका डेसिमल फॉर्म आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है,
सेवन को लिख दो इसके अंदर, फोर को लिख दो यहाँ पर, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो, तो फोर वन सा फोर माइनस करेंगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फोर सेवन सा ट्वेंटी एट माइनस करेंगे तो यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे जीरो, पॉइंट लगाए जीरो बढ़ा देते हैं, फोर फाइव सा ट्वेंटी, राइट। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 1.75, समझ में आया। तो बस ऐसे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखना, ये तो पहला था, ठीक है, अभी ये दूसरा देखो क्या है, टू इंटीजर 1/5। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करो, प्लस 1/5, 5 2 10, प्लस 1/5 यानी कि 11/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप डिवीजन कर दीजिए, तो 11 को अंदर लिखना, जो ऊपर रहेगा उसको अंदर लिखना है, जो नीचे रहेगा उसको बाहर, ठीक है, इस तरह से। अब 5 2 सा क्या होता है, 10 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डिवीजन आप लोग को आता है। फिर 5 2 सा क्या होता है, 10 होता है, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 2.2, तो इसका इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 2.2। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो 5/3 है, 5 को कहाँ पर लिखेंगे, अंदर, और 3 को बाहर, तो यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया हमने 0 बढ़ा देते हैं, फिर 3 6 18, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस करोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, 3 6 18, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस करने पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि ये रुकने वाला नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जैसे ये टर्मिनेटिंग था, वो क्या हो गया, रुक गया एक जगह, देखो यहाँ पे रुका, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये ना आगे 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 क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, 1.6 और उसके बाद लिख देना 7, ठीक है। एक बात आप समझ लो, यहाँ पे 7 कैसे आया, तो या फिर एक और तरीका है, रुको आप अभी ऐसे मत करो, ये तो आप आगे के क्लासेस में सीखोगे। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बार बार 6 6 आ रहा है ना, तो इस तरह से 6 लिखो और इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आप लोग को क्या लगा देना है, बार, ये जो पॉइंट है ना इसको बार ही बोलते हैं, एक तो ये वाला बार होता है, ऐसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो इस तरह से आप बार, मतलब क्योंकि 6 6 बार बार आ रहा है ना, तो इसके ऊपर आप इस तरह से पॉइंट लगा सकते हो, समझे। अब अगला 2, ये चौथा है, 2/11, तो 2 को कहाँ पर लिखोगे, इसमें लिखना अंदर और 11 को इधर, तो देखो यहाँ पे 2 छोटा है ना, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 1 11, माइनस करने पे क्या आएगा, 9, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, 11 8 88, चलो माइनस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, राइट, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते, फिर 11 1 11, उसके बाद अगेन यहाँ पे 9 आएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 8 टाइम में जाएगा, यानी कि 1 8 1 8 बार बार आता ही रहेगा, क्या आएगा, 1 8 1 8, देखो क्या यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 8 1 8 रिपीट हो रहा है। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0.18, क्या क्या रिपीट हो रहा है, 1 8 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसके ऊपर इस तरीके से आप लोगों को क्या लगा देना है, बार लगा देना है, समझ में आया। अगर एक नंबर रिपीट होगा तो ये वाला बार लगाना उस नंबर के ऊपर, और अगर 2 या फिर 3 नंबर्स ऐसे करके रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये वाला बार लगाओगे, समझ में आया आप लोगों को। तो बस इतना ही करना है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जो आपका प्रैक्टिस है 24 है ना, ये पूरा के पूरा बेस्ड है इसी के ऊपर, किसके ऊपर, इसी के ऊपर, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जिन्हें आप लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर सकते हो, नहीं आएगा तो मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस है 24 का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया है और आपको उसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए रूल्स क्या होते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखो बॉडमस का रूल होता है, बी
S, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो कैसे भी एक्सप्रेशन आने दो, आप उनको सिंप्लीफाई कर पाओगे, ठीक है। तो बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन है। देखो मैं एक क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। देखो आपकी टेक्स्ट बुक का ही मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 × इस तरह से ब्रैकेट 25 × फिर ब्रैकेट है, उसके बाद 113 - 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 × 13, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, समझ में आया। तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो ब्रैकेट, एक तो इस तरीके से एक ब्रैकेट होता है राउंड ब्रैकेट, दूसरा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एक और ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट तो बोल दिया गया, लेकिन अगर ये तीनों भी ब्रैकेट्स है तो आप कौन से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे। तो देखो जैसे मैंने लिखा है ना वैसे ही आपको ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपके एक्सप्रेशन में इस तरह का ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इसे करना है, और फिर उसके बाद इसको करना है। समझ में आया, ओके। अभी ओ मतलब क्या होता है, तो ओ यानी होता है बच्चों ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को बताऊं तो जैसे यहाँ पे है 1/4 × 200, ठीक है, मतलब इसी में कहीं पे तो है, समझिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया है इस तरीके से है ऑफ 1/4 of 200, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको इस तरीके का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ यानी क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ यानी क्या, यहाँ पे ऑफ है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई, समझ में आया। तो बी फॉर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना, उसके बाद ऑफ यानी इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा पहले उसको सॉल्व करना, उसके बाद डी फॉर क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। अगर आपके क्वेश्चन में डिवीजन है तो पहले आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, डिवाइड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ए फॉर क्या होता है, एडिशन। डिवीजन के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या करोगे, एडिशन करोगे, ठीक है। और लास्ट में आपको करना है सब्ट्रैक्शन, समझ गए, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ओके, समझ गए। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है, तो हमने क्या सीखा, बॉड मास के रूल में हमने क्या सीखा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन सा ब्रैकेट पहले, ये वाला ब्रैकेट है क्या इसमें, देखो ये है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट 25 है ना ये इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो प्रैक्टिस सेट 25 को भी खुद से ही सॉल्व कर पाओगे। तो चलो देखते हैं, 2 × इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी हम ये दोनों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलो 113 - 9 कर दो, क्या आएगा, तो यहाँ पे 13 - 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 104 आएगा, क्या आएगा, 104। फिर प्लस, अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें डिवीजन भी है और मल्टीप्लीकेशन भी है, राइट। तो यहाँ पे आपको इसी रूल का यूज करना पड़ेगा। देखो इस रूल में पहले आप मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे, पहले क्या करना है, पहले करना है डिवीजन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो चलिए हम कर देते हैं, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर × 13, समझ में आया, समझे यहाँ पे क्या किया, ओके। अभी भी ये ब्रैकेट में ही है तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको आप रहने दीजिएगा। 104 प्लस, अभी इसको सॉल्व करो, 13 × 2 क्या हो जाएगा,
सिक्स, समझ में आया? तो देखो हमने ये जो राउंड ब्रैकेट था इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट? तो चलिए करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखते जाइए, टू इंटू करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद है क्या 25, तो ये भी मैंने लिख दिया, फिर इंटू, तो इंटू, अब देखो यहाँ पे 104 प्लस 26 तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, इसको देखो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1 0 2 यहाँ पे 3 1, ठीक है, क्या आया 130, देखो इन दोनों को ऐड किया तो हमको 130 मिला। और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट है, फिर 2 इंटू, अब क्या करना है आप लोगों को, तो ये जो करली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है ना, इस ब्रैकेट को किया, इस ब्रैकेट को किया, अभी इस ब्रैकेट को करेंगे, तो 25 इंटू 30 मल्टीप्लाई करो तो 130, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आता है। तो देखो यहाँ पे 130 इंटू 25, 500, 53 सा 15 कैरी 1, 51 सा 516, 200, 23 सा 6, 21 सा 20523, 3250, क्या आया यहाँ पे 3250, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 20 सा 0, 25 सा 10 कैरी 1, 22 सा 415 और 23 सा 6, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आया? तो प्रैक्टिस है 25 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को आप लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर से मैं आप लोग को बोलूँगी, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है प्रैक्टिस है 25 का भी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो अगर नहीं आया तब उस वीडियो को देखना, अगर आपको बिना देखे समझ में आता है, अगर आप ये कंसेप्ट समझ चुके हो फिर तो आप खुद से कर सकते हो, अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो कुछ मतलब कोई एक ऐसा नंबर आ गया जिसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे तो फिर उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 5 था ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, ये यहाँ पे फिनिश होता है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आप लोगों को पूरा दिया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।